हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज आपके लिए एक और डिस्क बल्ज का हम केस लेके आए हैं, जब हम आपको दिखाएंगे कि डिस्क बल्ज के केसेस में कितना अच्छा रिजल्ट आता है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्क बल्ज है ये आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, और इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन साइड है वो लोअर बैक में L5, S1, L4, L5, ये बहुत ज़्यादा कॉमन साइड्स होती हैं। और किसी को अगर नेक में डिस्क बल्ज है तो वहाँ पर भी C5, C6, C7, ये बहुत ज़्यादा कॉमन साइट्स हैं डिस्क बल्जिंग की, जिनको डिस्क इंजरी होती है स्पाइन में। सो इसमें जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, हम आपको दिखाएंगे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का लाइव सेशन। और इसमें जब नर्व पिंच होती है डिस्क बल्ज में तो उनको पेन लेग में भी जाता है, लेग में नमनेस हो सकती है, लेग में जो है टिकलिंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर लेग में बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नर्व कंप्रेशन के हैं। तो अब देखते हैं का डिस्क बल्ज का लाइव सेशन। L5S1 का डिस्क बल्ज होने की वजह से इनको जो लेफ्ट साइड का नर्व रूट है, लेफ्ट साइड का नर्व रूट कंप्रेस था और इनको पूरे लेग में पेन नीचे तक जाता था। तो इनको हमने अभी जो दो चार सेशन दिए हैं इससे पहले, और कम से कम इनको 2.5 से 3 महीने हो गए इस प्रॉब्लम में। द पेन वॉज ट्रेवलिंग इन द लेफ्ट लेग अलॉन्ग विद द टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस। So this is the case of L5S1 disc bulge with nerve root compression. The first we'll do the mobilization of L5S1. Quickly we'll check the leg length also for the leg length. Whenever you have a lower back L5S1 disc bulge, your upper body also compensate, and there is some deflection on the dorsal area also. सांस लेके छोड़ी, सांस बाहर निकाली है। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ी और ढीला रखी और सांस लेके कंधा ढीला छोड़ी। रिलैक्सेबल, लूज लूज लूज, कितने टाइम से दर्द था? लगभग 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने। कौन से पैर में जाता था? इसमें पैर में, लेफ्ट में। लेफ्ट में जाता। अभी दर्द कैसा है? काफी रिलीफ है। काफी रिलीफ है, ठीक है। पैर में कोई आप ऐसे? पैर में तो काफी कुछ नहीं, मतलब बहुत हल्का दर्द है, बाकी थोड़ा बहुत कमर में रह गया, बाकी तो बाकी ठीक है। थैंक यू वेरी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको एक ट्रीटमेंट सेक्शन दिखाया डिस्क बल्ज के केस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जो लोग दर्द में, उनको आपके थ्रू हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।